नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही कांग्रेस राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने की मांग कर रही थी। सोमवार को सदन की शुरुआत से पहले एक नोटिस जारी हुआ और राहुल गांधी की सदस्यता वापस दे दी गई। चंद्रयान 3 तेजी से अपने डेस्टिनेशन चांद के साउथ पोल के करीब पहुंच रहा है। इसरो ने यान का ऑर्बिट बदला है। अगले 10 दिनों तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। इसरो ने अंतरिक्ष से चांद की पहली तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर को चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने अपने कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया है। भारतीय जनता पार्टी में विपक्षी दलों के नेताओं को शामिल किए जाने पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अब वॉशिंग मशीन हो गई है, उसकी भूमिका आज तोड़ो और राज करो की हो गई है। बीजेपी ने मित्र बनाकर पीठ में खंजर घोंपा है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है कि लोग नजरें टिकाए रहते हैं। इसी बीच शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से कहा है कि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चुनाव चिन्ह की मांग प्रीमेच्योर है, साथ ही उसने दुर्भावपूर्ण भी बताया है। दिल्ली सेवा बिल पर आज संसद में बहस के बाद शाम तक वोटिंग होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया गठजोड़ आज इस दिल्ली सेवा बिल को हराने के सिलसिले में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में सियासत हो रही है। वहीं इसके विरोध में मैथिली समुदाय के लोगों ने रविवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। कालीचरण महाराज एक बार फिर सुर्खियों में है। कालीचरण महाराज उज्जैन में निकलने वाले बाबा महाकाल की सवारी में शिरकत करने वाले हैं। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद से पीड़ित महिलाओं को जिहादी तत्वों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सुअर के दांत का पानी पिलाना चाहिए। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक को 30 साल पूरे हो गए हैं। खलनायक 1993 में रिलीज हुई है। माधुरी जैकी श्रॉफ जैसे सितारों से सजी यह फिल्म दर्शक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज होने जा रही है। फिल्म का सामना अक्षय कुमार की फिल्म OMG 3 से होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों फिल्मों से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।